नमस्कार। जन सरोकार मंच अपने सरोकारों के प्रति शुरू से प्रतिबद्ध रहा है। उन सरोकारों में एक बड़ा सवाल जो आज के साथ जोड़ा है, आज का सवाल बनकर, जो हमें कहीं ना कहीं एक तरह से ग्रहण लगा रहा है, वो सवाल है संदेहवादियों को, संदेहवाद को लेकर। विषय थोड़ा अटपटा जरूर लगता है एक बार सुनने में, लेकिन बहुत, जिसे कहना चाहिए, अर्थपूर्ण विषय है सरोकारों के परिप्रेक्ष्य में। तो आज अशोक आत्रे जी से मैंने आग्रह किया कि बंधु, इस विषय पर आप अपनी बात कहें तो अच्छा लगेगा। ये सौभाग्य है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया और अशोक आत्रे जी आज हमारे बीच, हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने सभी श्रोताओं के साथ, जन सरोकार मंच की पूरी टीम के साथ, कि अशोक आत्रे जी आज हमें संदेहवाद को लेकर अपनी बात कहें, हम लाभान्वित होंगे। आदरणीय अशोक जी नमस्कार। अशोक सक्सेना साहब, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार पुनः, राम राम। बात यदि सरलता से शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है, हालांकि विषय जटिल है, और यदि जटिल विषय को हम सरल बना दें तो मेरे ख्याल में संवाद के लिए एक आवश्यक पक्ष ये रहता है कि हम जटिलताओं से सरलता की तरफ जाएं, न कि सरलता से जटिलताओं की तरफ जाएं। और संवाद इसीलिए होता है कि हम कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लिसिटी की तरफ लेके आए। और जीवन का सच भी ये है, जीवन की मर्यादा भी ये है, जीवन की आवश्यकता भी ये है कि हमारे तमाम दुरूह जो प्रश्न है, जो गूढ़ प्रश्न है, गूढ़ विचार है, गूढ़ संहिता है, आचार संहिता है, गूढ़ कमिटमेंट्स हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, निश्चित रूप से जब किसी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो लगता है कि यात्रा पता नहीं कैसे होगी, अनिश्चितताएं रहती हैं। अनिश्चितताएं, शंकाएं, संदेह, प्रश्न, और इस सब से घिरा हुआ आज का आदमी, आज का समाज, ये आज की रियलिटी है, आज का यथार्थ। हम ये नहीं कहते हैं कि संदेहवाद से हम घिर गए हैं पूरी तरह से, किंतु संदेहवाद या संदेह बार बार हमारे सामने सिर खड़ा करता है, बार बार हमारे सामने प्रश्नों की झड़ी लगाता है, और बार बार हमें कहता है कि जिस जीवन को, जिस जिंदगी को, जिन मूल्यों को, जिस सत्य को आप जी रहे हैं, क्या सचमुच वह सत्य सही है, क्या वही सत्य है जिसे आप जी रहे हैं, क्या वह रियली सत्य है। तो यह एक बड़ा सवाल है। क्या भोजन आप कर रहे हैं ये सही भोजन है? क्या जो यात्रा आपने की है सही यात्रा है? क्या जिस परिवार में आप रहे हैं वो सही परिवार है? क्या जिस समाज में आप उठ बैठ रहे हैं वो सही समाज है? क्या जिस देश, जिस राष्ट्र, जिस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आप अंग हो चुके हैं और जहां किसी भी प्रकार की कोई विकल्प की स्थिति पैदा नहीं हुई है, क्या यह अनिवार्यता आपके ऊपर एक तरह से इम्पोज कर दी गई है, मजबूरी में आप इसे निभा रहे हैं और कोई विकल्प नहीं? तो शायद संदेहवाद की जो शुरुआत है, संदेह या शंकाओं की या प्रश्नों की जो शुरुआत है, या जिस जंगल में, प्रश्नों के जंगल में हम घिर जाते हैं, तो वहां से ये प्रश्न सहज रूप से उठता है, और वो जो घेरा है वो संदेहों का ही घेरा है। इसका कारण ये है कि हम अपनी तरह से द बेस्ट करते हैं। हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं अपना सब कुछ सही करूं, सब कुछ अच्छा करूं, सब कुछ सबको लाभान्वित करने वाली बात करूं, सबके लिए शुभ हो, सबके लिए अच्छा हो, हितकारी हो, किंतु दुर्भाग्य से परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्था बन जाती है, कुछ ऐसी रूपरेखा बन जाती है, कुछ ऐसे एनकाउंटर्स और कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं कि हम संदेह के घेरे में आ जाते हैं, और हमें ही लोग हमको प्रश्न पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्या सचमुच जो किया है आप ये चाहते थे कि ये यही हो? एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल मनुष्य के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक इस सवाल से मनुष्य हम घिरे रहे। राइट फ्रॉम द डे व्हेन वी टेक बर्थ, जिस दिन हम पैदा होते हैं, घर में थाली बजती है,
और जन्म पत्री बनती है, कुंडली बनती है, तो पंडित जी सबसे पहले 4-6 चीजें रखते हैं और उसमें उसमें पूछते हैं कि कौन सी चीज को आप उठाते हैं, और वहां से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, आपकी चॉइसेस शुरू हो जाती है। आपके पेरेंट्स, आपके मित्र, आपके सहोदर, आपके सभी लोग ये देखते हैं कि आपने कौन सी चीज पर हाथ रखा, किस चीज को आपने चयन किया, किसे उठाया, किसे रिजेक्ट किया। तो रिजेक्शन क्यों किया, किसी चीज को एक्सेप्ट क्यों किया, ये जो जजमेंट है ये बच्चे में तो नहीं होता है, किंतु फिर भी उसके संस्कारों में ये चेतना रहती है, संस्कारों में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो अपने वर्ग, अपने वर्ण, अपनी जाति, अपने संस्कारों से जुड़ा रहता है। तो ये मानना चाहिए कि ये चाइल्डहुड की में सबसे अधिक मेमोरीज का डिपोजिशन चाइल्डहुड में रहता है, क्योंकि वो पूरी स्मृतियां भी लेकर के आता है और आगे की स्मृतियों के लिए भी गुंजाइश होता है, उसका फैकल्टी बहुत फर्टाइल होता है। यानी जितनी तेजी से वो यात्रा करता है बच्चा, उतनी तेजी से बड़ा यात्रा नहीं करता, बड़ा व्यक्ति तो रिवर्सल की तरफ जाता है, वापस लौट के आता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, ग्रो करता है, वैसे तेजी से जाता है। तो ये जो तेजी से उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, जो हमारी व्यवस्था, हमारा समाज, हमारे परिवार, हम करते हैं, उस सारी हड़बड़ाहट में, उस सारी योजना में, उस सारे सरोकारों में संदेह की, बार बार हमें संदेह का सामना करना पड़ता है, संदेहों का सामना करना पड़ता है, और कुछ ऐसे वर्जित क्षेत्रों में भी हमें जाना पड़ता है जिन क्षेत्रों में हमें जाना की जाने की अनुमति नहीं, परम जाते हैं, चुनौतियां हैं। एक सिपाही वर्जित क्षेत्र में जाता है, एक वेश्या वर्जित क्षेत्र में जाती है, एक माँ वर्जित क्षेत्र में जाती है, एक लेखक वर्जित क्षेत्र में जाता है, कौन नहीं जाता। और वर्जनाओं से घिरे हुए समाज में जाना या उनकी चुनौतियों को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। वही तो सबसे बड़े चैलेंज है, इजी गोइंग लाइफ इज नो लाइफ, 2 + 2 = 4, एवरीबडी कैन टेल, छोटा बच्चा भी बता गया। किंतु जब आप कहेंगे कि नहीं, ये जो एवं इंद्रजीत का शायद हमने कंसेप्ट पहले डिस्कस किया था शायद प्रारंभिक अपनी बातचीत में, कि वो एक व्यक्ति कहता मेरा नाम राम है, दूसरा कहता मेरा नाम श्याम है, तीसरे व्यक्ति जब पूछा था तो तुम कौन हो, तो वो कहता मैं इंद्रजीत। तो जो तीसरा व्यक्ति है जो अपने आप को राम और श्याम नहीं कहता है, या उसकी एक तरह से रूटीन जो उसका जो तरीका है बात करने का, सब उससे हटके वो बात करता है कि मैं इंद्रजीत। तो ये जो कंसेप्ट है, ये इंद्रजीत होना उसे अलग करता है, हम उसके उस पर संदेह करते हैं कि तुम इंद्रजीत क्यों हो, तुम राम और श्याम क्यों नहीं। ये स्थिति आज यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचा जाए, यदि हम एक मुद्दे को भी ले लें, राष्ट्रीय स्तर पर यदि मुद्दे की बात करें, तो एक बहुत सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज की भारतवर्ष के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर। तो राम मंदिर या श्याम मंदिर, या राम की अवधारणा या श्याम की अवधारणा, और उससे जुड़े तमाम सवाल और उससे जुड़े तमाम सरोकार जो हमारी संस्कृति, हमारे समाज के अविभाज्य अंग है, वो भी कहीं ना कहीं हमें संदेहों के घेरे में लाके खड़ा करें, जो हमारी मानव जीवन की धरोहर है, जो मूल्य है हमारी भारतीय समाज की, भारतीय सारी की सारी धर्म से चेतना, संस्कृति, परंपराएं हमारी धरोहर है, उन पर उनके प्रति संदेह पैदा किया जा रहा है, वेदर राम एग्जिस्टेड और नॉट, वेदर कृष्ण एग्जिस्टेड और नॉट, आर दे द कैरेक्टर्स ऑफ हिस्ट्री और द कैरेक्टर ऑफ माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी से हिस्ट्री और हिस्ट्री से रियलिटी और पॉलिटिक्स तक आते आते पता नहीं कितने संदेहों से, कितनी यात्राओं से हम लोग घिर जाते हैं, और किस किस तरह के सवालों का हमें जवाब देना पड़ता है, इतना भारी हो जाता है कि आज आपके खुद के विश्वास, चाहे आप कितने ही आस्तिक हो, कितने ही गहराई में उतरे हुए हैं, चाहे कितने ही कर्मकांडी हो, जीवन भर आपकी 50 परंपराएं आपने कर्मकांड किया, और एक दिन अचानक आपके सामने सवाल उठता है कि मैं मंदिर क्यों जा रहा हूँ, मैं मस्जिद क्यों जा रहा हूँ, मैं गुरुद्वारा क्यों जा रहा हूँ, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ, मैं ये खाना क्यों खा रहा हूँ, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। ये सारे सवाल इसलिए है क्योंकि जो हमारी काउंटर चैलेंजेस हैं, ये हमें जीवन के एक ऐसे सत्य से हमारा रूबरू कराते हैं जो सत्य सचमुच सहनीय नहीं है, असहनीय और नंगा सच है। इस नंगे सच को लेकर के मैं एक छोटी सी कविता, मेरे मित्र सौमित्र मोहन बहुत प्रसिद्ध अपने जमाने के अच्छे कवि रहे हैं, और भाग्य से मेरे पिछली बार जब मैं दिल्ली गया तो वो किताब मुझे हाथ भी लग गई, आधा दिखता हुआ आदमी, लुकमान अली, उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता, कविता के दौर में बहुत प्रसिद्ध कविता रही है, उसी कलेक्शन में उसमें लुकमान अली भी है, तो आधा दिखता वह आदमी, तो मैं थोड़ा सा पुस्तक भी आपको दिखा दूं। ये लुकमान अली, मेरी मित्र सौमित्र मोहन की कविता है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये अच्छा कवि है। सौमित्र मोहन आर्ट के क्रिटिक भी हैं और आलोचक भी हैं और
आर्ट मैगजीन भी निकालते हैं, अच्छे कवि भी। तो इसकी कविता में से, इस संग्रह में से एक छोटी सी कविता मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि हम इस बात को, जो अपनी व्यवस्था है, उससे थोड़ा आगे बढ़ सके। कविता कहती है, जिसका संबंध जिसका नाम है द्विजन्मा। अब देखिए द्विजन्मा वाली बात फिर वही आ गई कि संदेह वाली। द्विज का जो संस्कार है, जो हमारी तमाम जाति व्यवस्था से, वर्णाश्रम व्यवस्था से जुड़ा है, वो फिर संदेहवाद से जुड़ गया किसी न किसी रूप। यानी एक ब्राह्मण को दोबारा ब्राह्मण बनने के लिए यज्ञोपवीत का संस्कार करना पड़ता है, वरना वो द्विज नहीं मानते उसको। तो एक परंपरागत मूल्य है। मैं नहीं कहता कि ये उन्होंने किसी ब्राह्मणी के उस पर लिखा होगा, कि मुझे पता नहीं उन्होंने ये कविता क्यों लिखी, किंतु द्विजन्मा जो शब्द है वो एक रोचक शब्द है। और ये कविता मैं आपको सुनाता हूँ, जो सौमित्र मोहन की कविता है। कविता इस तरह से होती है, वह सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गया था, वह सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गया था, हल्के से खाली पड़ी बोतलों को ठेल कर वह खुली सड़कों पर घूमने लगा। देखिए फिक्शनल है किंतु पोइट्री है। वहां सभी कुछ था जो कविता की प्रकृति वर्णन में होता है, वहां सभी कुछ था जो कविता के प्रकृति वर्णन में होता है। कुछ छोड़ाने का ख्याल उसे बार बार बदल रहा था। अब कुछ छोड़ाने का ख्याल उसे बार बार बदल रहा था, यहां से संदेहवाद शुरू हो गया। कुछ छोड़ाने का ख्याल उसे बार बार बदल रहा था, ये बदलने वाली बात है। देखिए, उसने स्वप्न चेतना में अपने चारों ओर देखा, ड्रीम कॉन्शस। व्हेन ही वाज डाइंग ही केम टू नो दैट ही वाज एग्जिस्टिंग। क्रिकेट गार्ड की कहानी है। व्हेन ही वाज डाइंग ही केम टू नो दैट ही वाज एग्जिस्टिंग। काफ्का की कहानी है। व्हेन ग्रेगर सैंजा अवोक फ्रॉम ए ड्रेडफुल ड्रीम ही फाउंड हिमसेल्फ कन्वर्टेड इन जाइजेंटिक इंसेक्ट। तो ये जो सारी व्यवस्था है, जो रूटीन तरीके से जीवन जीने से हमें उसके अगेंस्ट ले जाती है। तो ये कहते हैं, तभी उसके पास से एक टुड़ा मुड़ा कागज उड़ गया था। तभी उसके पास से एक टुड़ा मुड़ा कागज उड़ गया था, उस पर कुछ लिखा हुआ था और वह उसे पढ़ नहीं सका था। देखिए यहां से संदेहवाद शुरू हो गया। वह मुड़ा और खुश हुआ, वह मुड़ा और खुश हुआ, वह अपना अतीत भूल रहा था। अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण कविता का अंश है, वह अपना अतीत भूल रहा था। तो यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि वह अतीत अपना क्यों भूल रहा है। अतीत तो बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है, स्मृति के बिना तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो ये क्या कहा, व्हाई ही वाज सो एब्स्ट्रैक्टेड दैट ही वाज व्हेन ही वाज डाइंग ही केम टू नो दैट ही वाज एग्जिस्टिंग। अतीत क्यों बोल रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं परेशानी है, कहीं ना कहीं किसी तरह की हम उस स्थिति को, यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे जो हमारे सामने खड़ी हो। उन चुनौतियों के घेरे में, उन संदेहों के घेरे में जीवित रहते हुए, जो हमारी त्रासदी है, जो हमारी कष्ट है, जो हमारे विकल्प है जीवन के, या जो हमने जिस तरह के जीवन का चयन किया है, वो बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े कर देते हैं। और ये प्रश्न हमें किसी न किसी तरफ से पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, या नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी। अब ऐसी स्थिति में ये देखिए कि आज की जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, आज का जो सामाजिक यथार्थ है हमारा, उससे जुड़े हुए सवाल क्या है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिन जीवन मूल्यों को, जिन आस्थाओं को, जिन कमिटमेंट को, जिन प्रतिबद्धताओं को, जिन शपथ को, जिस तरह की शपथ को लेके हमने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन मानव मूल्यों के को लेकर के पूरे विश्व में जनतांत्रिक चेतना, लोकतांत्रिक चेतना का अभ्युदय हुआ, और साम्यवाद आया, या मार्क्सवाद आया, या अस्तित्ववाद आया, या दूसरी तरह के वाद विवादों से हम लगातार जुड़ते रहे, जूझते रहे, साहित्य संस्कृति कलाओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं आई, विभिन्न प्रकार के लोग आए, विभिन्न प्रकार की कृतियां आई, और पूरा विश्व जो है, पूरा समाज विश्व जो है, वो एक हमारा वसुधैव कुटुंबकम या ग्लोबली एक विलेज में कन्वर्ट, से विलेज स्मॉल विलेज में कन्वर्ट हो। तो ये सारी जो जीवन मूल्यों की विभिन्न विचारधाराएं हैं, जिनसे हम जूझ रहे हैं, जिनसे हम जुड़ रहे हैं, जिनके माध्यम से हम ऐसे सरोकारों से जुड़ रहे हैं जो मानवीय मूल्यों के लिए जरूरी हैं, तो उन सरोकारों के लिए हम कर क्या रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि शिक्षा की व्यवस्था हमारी जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हमारे स्वास्थ्य के सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य की चुनौतियां, हमारी शिक्षा की व्यवस्थाएं, हमारे अर्थोपार्जन की, हमारे जीविका की जो संसाधन है,
और हमारे वैज्ञानिक जो हमारी उपलब्धियां हैं और हमारी सामाजिक आस्था या धर्म की जो मूल्यवादी चेतना है वो क्या किसी न किसी रूप में क्या हमारी मदद कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि विज्ञान ने जिस तरह से जिस रूप में समाज की मदद की है वैसा कभी हुआ ही नहीं। हमारी तमाम पुस्तकें चाहे किसी भी धर्म की पुस्तकें, हालांकि हम ये दावा करते हैं कि इसमें सब कुछ था, और उसी से आगे निश्चित रूप से ज्ञान तो विज्ञान तो उसी से बड़ा शब्द थे, यात्राएं थी, कल्पना थी, फैंटेसी से क्या ना ही, वो सब फैंटेसी थी, उनको यथार्थ मान लीजिए। आप माइथोलॉजी को यथार्थ मान लीजिए, मना कौन करता है, किंतु यथार्थ परख है वो यथार्थ नहीं, वो यथार्थ परख लगती है, वो फिलोसॉफिकल लगती है, वो आध्यात्मिक लगती है, वो माइथोलॉजिकल लगती है, वो काल्पनिक लगती है। विज्ञान ने उस कल्पनाशीलता से हमको मुक्त किया और ये कहा कि 2 + 2 = 4। साइंस ने हमें, गणित ने बताया, पहले भी ये सिद्धांत था, ऐसा नहीं था कि सिद्धांत नहीं था, किंतु बाद में 200 सालों में 300 सालों में जिस तरह से एक ग्लोबली लेवल पर डिस्टेंसेस बहुत नजदीक आ गए हम लोग। पहले तो आप पहचानते ही नहीं थे कि आप, पहले भारतवर्ष को, पूरे विश्व को हम भारतवर्ष मानते, जबकि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि विश्व क्या है। माइथोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स डिस्कस्ड इन माइथोलॉजी। हमारा जो भारतवर्ष का जो रूप है, स्वरूप है, बहुत विस्तृत है देखा जाए तो, किंतु कुल मिलाकर के कुछ लिमिटेड यात्राओं से लिमिटेड ज्ञान था, किंतु बाद में सामुद्रिक यात्राएं जो हुई, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स खोजे गए, अलग अलग तरह से विज्ञान के आविष्कार हुए, और पिछले 200 वर्षों में जिस तरह के आविष्कार 200-300 वर्षों में हुए, साइंस ने सब कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके रख दिया और सारी मानवता का एकीकरण हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी विज्ञान की देन है। किसी जमाने में वही देन अध्यात्म की या धर्म की थी, धर्म ने भी सबको एसिमिलेशन किया, सबका एक आस्था मूलक, एक तरह की जंगली जो हमारी बर्बर जो जीवन था उससे हमको शिक्षित किया, एजुकेटेड किया, और पुराने जो संदेश है था कि हम भूत प्रेतों से डरते थे, परेशान हो जाते थे, अंधेरे में नहीं जाते थे, हर चीज के पीछे हमें किसी तरह का इलॉजिक होते हुए भी लगता था कि नहीं, समथिंग रॉन्ग इज देयर। तो विज्ञान ने और धर्म ने भी एक स्तर पर हमको एजुकेट किया, शिक्षित किया, और हमें समझाया कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि विज्ञान हो, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे शिक्षा हो, सभी स्तर पर हमने इन संदेहवादियों से दूर भागने की या संदेहवादियों की चुनौतियों से लड़ने की कोशिश की, और बार बार ये कहा संदेहवाद संदेहवादियों सावधान। इसका कारण ये कि यदि आपने हमारे दिमाग में, दिल में यदि किसी प्रकार की कोई कीड़ा डाल दिया है और संदेह डाल दिया तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। अंग्रेजी ने किसी जमाने में कहा था, एवरीथिंग शुड बी पुट बैक टू क्वेश्चन, एवरीथिंग शुड बी पुट बैक टू क्वेश्चन, एवरीथिंग शुड बी पुट बैक टू डाउट्स, नथिंग बट दी एब्सोल्यूट शुड बी एक्सेप्टेड। तो नथिंग बट दी एब्सोल्यूट शुड बी एक्सेप्टेड की जो बात है, अब सवाल ये है कि आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, हर चीज को क्वेश्चन में डाल दिया, हर चीज को संदेह में डाल दिया, फिर आप कहते हैं कि नथिंग बट दी एब्सोल्यूट शुड बी एक्सेप्टेड। अब एब्सोल्यूट क्या है, ये एब्सोल्यूट क्या है आखिर में, एब्सोल्यूट शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है, ऑल पिक्स आर इक्वल बट सम पिक्स आर मोर इक्वल, तो ये मोर इक्वल वाले पिक्स कौन से हैं। तो ये एब्सोल्यूट हो चाहे मोर इक्वल हो, चाहे ब्रह्म का दर्शन हो, चाहे मायावादी दर्शन हो, चाहे मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी हो, चाहे आर्ट की फिलोसफी हो, अनएंडिंग रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि ह्यूमन माइंड इज मेड फॉर कुछ नहीं, इस क्वेश्चनिंग माइंड। और मित्रों से पुनः आग्रह है कि वो संवाद से जुड़े, और मैं धन्यवाद आप सभी के लिए, थैंक्स अ लॉट।